हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू योर चैनल शाक परंपरा। कैसे हैं आप सब दोस्तों, बताने के लिए जय माता दी कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलवाकर कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लकड़ी के गाड़ी पर बैठकर कन्या के वास्ते सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्न चित्त अपने पुत्र का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहां चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां
उसने सत्यनारायण व्रत होते देखा। वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनाकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। अब दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा जितना उनके पास धन लिया था उससे दुगना धन दिलाकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, जय माता दी।